तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया। तो फाइनली आज हमारा कैंपिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया सोने में रात। और सुबह सुबह तो बारिश हो गई 6 बजे के आसपास, तो उठना तो जल्दी पड़ गया, पर कोई ना, अच्छा था मौसम, देखो कितना अच्छा है। चलते हैं ऊपर, यहाँ से तो ब्रिज पार करके चलते हैं ऊपर, फिर वहाँ से चलेंगे पोखरा के लिए। बारिश हो रही है काफ़ी, पर मेरे पास रेन कवर भी नहीं है बैग का, और ना मेरा रेन कवर। थोड़ी तो दिक्कतें आ रही हैं, पर कोई ना, व्यू देखो यहाँ का। यहीं पे लगाया था मेरा कैंप, और ये ब्रिज, ये देखो ऊपर बादल पूरा। एक्चुअली में ये बादल ही हैं, धुआं धुआं सा दिख रहा है, पर ये बादल है। इधर का देखो, इधर का। और बारिश होने के कारण ना पानी का तेज काफ़ी ज़्यादा हो गया उसमें, नदी में काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया। हम आ गए रोड पे नीचे से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण अभी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी देर से जाम लगा हुआ था। बाकी चलो थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर विजिट करेंगे। हमारी नाश्ता पानी हुई यहाँ पे, ये शॉप है, ये इस शॉप का मालिक समझ लो या फिर जो बोल लो। फिर फाइनली अब हम चलेंगे लिफ्ट लेने। फिलहाल तो आ गए हम रोड पे और चलेंगे आज लिफ्ट लेने। अभी तो बरसात हो गई है, थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी ठीक है। बरसात में होती है ना यहाँ पे, थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो आगे आ गए हैं काफ़ी, अभी बाइक वगैरह भी कम चलती है अभी। ऐसे है मॉर्निंग का टाइम, सोचे जल्दी निकलेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे, पर यहाँ तो बारिश हुई सुबह में, थोड़ी सी आवागमन में स्थिरता दिख रही है। इस वीडियो में आप देख रहे हो कुछ नया चीज़ दिख रहा होगा आपको, हमारा तिरंगा मेरे पीछे। ये आइडिया हमारे ड्राइवर का था, पर अच्छा लगा हमें भी, मैंने डाल दिया तेरे पास में था तो। थैंक यू फॉर दैट सजेशन। तो फाइनली अभी हमें मिली थी डायरेक्ट लुम्बिनी तक की लिफ्ट, बिकॉज मैं लुम्बिनी जा नहीं रहा, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। वैसे वो थे अकेले, जा सकता था उसके साथ, पर उनका थोड़ा सा लैगेज था पीछे बांधा हुआ, तो मैं वैसे लुम्बिनी तो जा नहीं रहा, मैं वो लिफ्ट छोड़नी पड़ गई हमें। बाकी वो बोले कि चलो बेस्ट ऑफ लक बोल के चल दिए। तो फिलहाल हम तो ऑन द वे ऑफ पोखरा, पोखरा के रास्ते में हैं, आ गए हम लगभग 4 किलोमीटर आगे पैदल, बट अभी तक मिली एक भी लिफ्ट नहीं, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी चलती ही नहीं है, चलती है तो फोर व्हीलर, टू व्हीलर चलती नहीं होती है। देखो अब पता नहीं लिफ्ट मिले भी या ना मिले। अब तो नहीं पता यार, पर कोई ना, मज़ा आ रहा, लोग देख रहे हैं, अब तो पहचान बतानी भी नहीं पड़ रही है। नहीं तो बार बार जब कोई भी मिलता था तो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रहता था, आप हो कहाँ से, अब वो क्वेश्चन का आंसर ख़त्म, क्योंकि हमारा तिरंगा देख के तो समझ जाते हैं इंडिया से। तो
यार इधर मौसम तो काफी अच्छा है, देख लो पीछे ठंडी ठंडी मौसम। यहाँ मकई काफी ज्यादा, इधर का अभी तक तो लिफ्ट मिली नहीं है, बाकी कोशिश करूँगा कि मिल जाए। शायद मैं भी मिल जाइए, ये निकल लिया। इन मौसम में ना सफ़र का अपना ही मज़ा है, क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में, कुछ बयान नहीं कर सकता मैं। यहाँ तो खैर नेपाल में ट्रिपल अलाउ ही नहीं है, इधर से जितना भी बाइक तो बाइक आने रही, जो भी आ रही बाइक वो डबल लोडिंग ऑलरेडी पहले से आ रही है, तो लिफ्ट मांगने का कुछ बनता नहीं। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल रही है यहाँ पर, टूरिस्ट का गाड़ी मैक्सिमम बस या फिर विंगर, दो ही चीज़ चलता है यहाँ पर ज़्यादा। अपना तो देखो यहाँ का ब्यूटी कितना दिखाऊँ मैं, पूरा नेपाल में तो ब्यूटी से बड़ा हुआ है, देख लो बिल्कुल। कब बारिश हो जाए कुछ पता पता नहीं, अगर बारिश होती है तो मेरे लिए मुश्किल, क्योंकि मेरे पास ना रेन कवर है और ना बारिश से बचने का कोई जुगाड़ है। आई होप बारिश तो नहीं होना चाहिए, मगर बादल लगा हुआ है, आज लग रही है पूरी यात्रा पैदल करनी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल पहुंच गए कृष्ण भीर, वो बोर्ड देख रहा होगा पीछे, और मिली अभी तक तो लिफ्ट नहीं मिली है, आई होप जल्दी मिले। कुछ भी हो पैदल यात्रा करने में मज़ा ही कुछ और है। ओहो अच्छा है काफ़ी, मतलब हमारा साथ को मौसम भी दे रहा है आज, ना गर्मी है बस ठंडा, थोड़ा थोड़ा ठंडी चल रही है, हवाएं ठंडी ठंडी, पहाड़ का चट्टान देखो, ये नदी देखो, देखो यहाँ से इसी नदी का किनारा था पीछे जहाँ मैं स्टे किया हुआ था, इसी का किनारा था। अभी तक तो लिफ्ट नहीं मिली है, काफ़ी आगे तो आ गए हैं पर अभी तक लिफ्ट नहीं मिला यार। हाँ देखो छोटा सा मार्केट, पहाड़ से पानी आ रहा है ऊपर से, ये मार्केट छोटा सा कुत्ता का मार्केट, भाई कितना ऊपर आ गया, नीचे आ गए देखो ऊपर से पूरा ऊपर से दिखता है, तो पूरे से पहाड़ से पानी गिर रहा है, सबसे पानी गिर रहा है काफी ज्यादा ऊंचा। तो फिलहाल हम पूरा स्लोप बना हुआ है,
यार आज तो हद हो गई यार, अभी तक लिफ्ट नहीं मिली। आज 9 किलोमीटर आगे आ गए पैदल आज। ओ भाई आज मेरा बजने वाला है बैंड, बिकॉज अब यार थकान लग रहा है अब, क्योंकि अभी तो चले हैं 9 किलोमीटर बस, पर थकान है ना, तो इस वजह से ज़्यादा थकान लग रहा है। कहाँ लग रहा है इस वजह से यार, एक कुत्ता डिस्टर्ब कर रहा है हर एक जगह। ये कुत्ता लोग का क्या है?